Hi friends, this is Chuchul Rathod and welcome to YouTube channel It's All About English. So, आज हम करने वाले हैं The Individual and Society and Anthology का Unit 6 जो कि है Shakespeare's System. This is written by Virginia Woolf. तो पहले introduction देख लेते हैं. Virginia Woolf, 20th century literature की एक famous writer है. उनको उनकी writings में मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करने के लिए और वुमेन की जो सोसाइटी में पोजीशन है उसके बारे में लिखने के लिए जाना जाता है. उनका एसे अ रूम ऑफ वंस ओन जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था वो मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटिंग के रूप में फेमस हुआ था. यह जो एसे है शेक्सपियर सिस्टर यह वर्जीनिया वुल्फ की राइटिंग अ रूम ऑफ वंस ओन ऑन से लिया गया है. ये उसमें थर्ड नंबर चैप्टर है. ठीक है, शेक्सपियर सिस्टर में वर्जीनिया वुल्फ ने 15th और 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में औरतों की जो दुर्दशा थी जो प्लाइट थी उसके बारे में लिखा है. एक सबटल एनालिसिस के थ्रू वुल्फ ने जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो औरतों के साथ जो भेदभाव होता है हो रहा था उस वक्त उसके बारे में अपनी कंसर्न शो की है, अपनी चिंता व्यक्त की है. जैसे कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होना वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता, मतलब कोई भी जो औरत है अपनी जो भी वो फील करती है अपने ओपिनियंस को है ना फ्रीली एक्सप्रेस कर सके कि मैं पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या सोचती हूँ, तो इस चीज़ की उसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता फील हुई. और ह्यूमन डिग्निटी का राइट और इक्वलिटी का राइट, इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने जो वर्जीनिया वुल्फ है उन्होंने अपने इस ऐसे में उन सब चीज़ों को लेके अपनी कंसर्न जताई है कि ये सब चीज़ें हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो औरतों के पास होना चाहिए. इक्वलिटी होना चाहिए, आदमी औरतों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीज़ों को लेके उन्होंने अपनी कंसर्न जो है जताई. अब इसमें पैराग्राफ वाइज है तो पहला पैराग्राफ क्या कहता है, शुरुआत में राइटर जो है उसको निराशा होती है. क्यों? क्योंकि औरतों की ये जो दुर्दशा है सोसाइटी में उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो क्या है, यह जानने में वो सफल नहीं हो पाती है. बहुत सारे व्यूज से फ्लडेड होने के बावजूद वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाती है. वो अपनी इंक्वायरी को अपनी जांच को नैरो डाउन करने का सोचती है. मतलब पहले वो होती है उसके माइंड में बहुत सारे थॉट लेके चलती है कि मैं ये भी पता करूँगी मैं ये भी पता करूँगी. फिर उसने क्या किया, जो उसके इंक्वायरी जिन बेसिस पे वो जांच करना चाह रही थी उसने उनको नैरो डाउन करने का सोचा कि नहीं मैं इतने इतने एरियाज़ के बारे में पहले कवर करूँगी, पहले इन चीज़ों के पीछे कारण जानूँगी. वुल्फ जो है हिस्टोरियंस उसके आंसर्स ढूंढती है जिनको कि फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है. मतलब वो काफ़ी सारी हिस्ट्री बुक्स पढ़ती हैं कि जैसे जो हिस्ट्री बुक्स होती है ना जिनके अंदर रिकॉर्ड्स लेते हैं, जैसे अभी जनगणना वाले आते हैं वो हर साल का रिकॉर्ड रखते हैं, उसी तरह से हिस्टोरियंस होते हैं वो हर तरह की रिकॉर्ड्स रखते हैं कि उस वक्त के टाइम पर जब वो पर्टिकुलर टाइम पर जब वो जानना चाहती है तो उस टाइम में औरतों के क्या हालत थे, क्या चीज़ें उस वक्त औरतों की क्या कंडीशन थी, अच्छी थी बुरी थी, क्या उस वक्त की औरतें फेस करती थी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी नहीं कराई जाती थी, हर चीज़ की रिगार्डिंग, चाहे वो मैरिज के रिगार्डिंग हो चाहे एजुकेशन के रिगार्डिंग हो चाहे एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग हो, तो वो लोग रिकॉर्ड रखते थे कि कैसे उस वक्त की औरतें. तो हिस्टोरियंस के उसमें जाके वो जो फैक्ट्स जो रिकॉर्ड करते हैं उनके वहाँ पे जाके वो अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करती है. वह हिस्टोरियन से यह जानने की कोशिश करती कि औरतें किस कंडीशंस में रहती थी. उसका ध्यान इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय की औरतों की तरफ गया. अब पैराग्राफ टू में आ जाते हैं. जो राइटर जो है इस ऑब्जर्वेशन से हैरान थी कि इस एरा में कोई भी नॉन वुमेन राइटर नहीं थी. एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में कोई भी नॉन वीमेन राइटर थी नहीं, जहाँ पर इतने सारे पुरुषों ने इतने सारे सॉन्ग सोनेट्स और बहुत सारा लिटरेचर वर्क किया था
वहाँ औरतों के वर्क का तो लिटरेचर में कोई नामो निशान ही नहीं था। वर्जीनिया वुल्फ मकड़ी के जाले के से समानता बताते हुए कहती है कि फिक्शन और लाइफ में बहुत गहरा संबंध है। वह कहती है कि ये जो लिंक है दोनों के बीच में, यह बहुत ऑब्वियस नहीं है, पर यह एग्जिस्ट करता है और वह इसे क्या करती है, वह इसे बनाए रखती है। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ में राइटर कहती हैं, तब राइटर प्रोफेसर ट्रेवलियन, जो कि एक वेल नोन हिस्ट्री बुक के राइटर थे और उनकी बुक का यह नाम था हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, वो बुक जो है जो इन्होंने लिखा प्रोफेसर ट्रेवलियन ने, उनकी बुक पढ़ती है। समाज में, सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए उनको यह बुक पढ़ने के लिए कहा गया था। ये उन्होंने को किसी ने सजेस्ट किया था। उसमें लिखा था कि अपनी वाइफ को पीटना आदमी का एक मान्यता प्राप्त अधिकार था, मतलब कि आदमी के पास ये फुल राइट था कि भाई हाँ आप अपनी वाइफ को पीट सकते हो, वो ऑथोराइज्ड था उसके लिए। ये जो काम है पत्नी पत्नी पर से पिटने का, मतलब सॉरी पति के द्वारा पिटने का, वो चाहे गरीब हो या अमीर आदमी हो या गरीब हो, सभी के द्वारा ये बिना किसी शर्म के किया जाता था। जैसा कि हम सब जानते हैं फेमिनिज्म में यह माना जाता है कि दोनों सेक्सेस जो हैं वो क्या होता है, इक्वल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, उस वक्त क्या था, इक्वालिटी नहीं थी। तो यहाँ पे जो वर्जीनिया वुल्फ है वो क्या कहती हैं कि दोनों को इक्वलिटी का, वर्जीनिया वुल्फ ही नहीं मतलब सभी उस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ क्या कहती है और ये जो राइटर हैं जिनकी ये बुक पढ़ रही हैं प्रोफेसर ट्रेवलियन, वो क्या कहते हैं कि समानता के आधार पर औरतों के अधिकारों का वो क्या करते थे, समर्थन करते थे। तो इस तरह से वर्जीनिया वुल्फ प्रोफेसर ट्रेवलियन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से औरतों की दुर्दशा के बारे में जानकर क्या हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है। और राइटर ने ट्रेवलियन की बुक की रीडिंग को कंटिन्यू रखा तो औरतों के स्टेटस के जो डिस्टर्बिंग फैक्ट्स जो हैं उसके सामने आते हैं, जैसे गर्ल जो अपने पेरेंट्स की मर्जी के लड़के से शादी, उनको अपनी पेरेंट्स की मर्जी से शादी करनी होती थी और जो ऐसा करने से मना कर देती थी कि नहीं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, तो उनको क्या किया जाता था, उनको रूम में बंद कर दिया जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी। 15th century के अंदर मैरिज सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स का ही नहीं बल्कि क्या था, एक ये फैमिली इंटरेस्ट का, मतलब जो दोनों जिसमें फैमिली पूरी इन्वॉल्व रहती, वो शादी में ऑब्वियसली इन्वॉल्व, लेकिन ये फैमिली इंटरेस्ट का मामला था कि मतलब सिर्फ लड़की, अगर लड़की की शादी होनी तो लड़की की चॉइस नहीं देखी जाएगी, पूरी फैमिली उसको पसंद करेगी। तो ये एक फैमिली इंटरेस्ट का मामला था 15th century में, इसलिए लड़की की पसंद को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया जाता था। इस हिस्ट्री बुक के अकॉर्डिंग औरतों की कंडीशन में इन 2 century के बाद में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। इवन 17th century में भी औरतें बहुत रेयरली अपना हस्बैंड चूज़ करती थी, कानून के अनुसार और सामाजिक नियमों के अनुसार दोनों के ही अकॉर्डिंग आदमी को भगवान और मालिक का दर्जा दिया गया था। वाइफ को पति से नीचे या कमतर आंका जाता था कि भाई वाइफ के तो इतने ही हैं, घर में रहो, खुश रहो, घर के काम करो और पति को खुश रखो, बस यही। वर्जीनिया वुल्फ जो है प्रोफेसर ट्रेवलियन की ऑब्जर्वेशन से सहमति जताती हैं। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि शुरुआत से ही औरतों ने पोएट्स के कैरेक्टर्स को स्ट्रेंथ दी है, मतलब जो पोएट्स हैं वो जो भी लिखते हैं पोएट्री उसमें क्या रहती है, जो फीमेल जो कैरेक्टर होती हैं वो उन कैरेक्टर्स को क्या करती है कि मतलब मजबूती देती है कहने की, क्योंकि उन्हीं के अराउंड सारा जो लड़कियों को ही तारीफ करते हुए उनके प्यार में गिरे हुए इस तरह की राइटिंग्स होती हैं, तो जो है वो एक तरह से उस कैरेक्टर को मजबूती देती है। उन्होंने इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे कि एंटीगोन सोफोक्लेस के ड्रामा में जो एंटीगोन कैरेक्टर था वो, क्लेक्टिव मेंस्ट्रा, ये
और एगोलिमस के ड्रामा में थे, क्लियोपेट्रा, लेडी मैकबेथ, रोजालिंड और शेक्सपियर के ड्रामा की डेस्डोना और टॉलस्टॉय की अन्ना कैरेनिना। तो इन सभी वुमेन कैरेक्टर्स की जो डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ हैं पर्सनैलिटीज़ थी और इन्होंने सभी ने जो मेन जो लीड मेल कैरेक्टर था उसको क्या वो मजबूती देती है। इस तरह से फिक्शन में या लिटरेचर में तो जो औरतों की जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे दिखाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है, उनको संपन्न दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या होती है उसकी बहुत अपोजिट होती है। रियलिटी में कोई भी औरतों को इतनी तवज्जो नहीं मिलती है, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, उनके अधिकारों को क्या किया जाता है, ट्रैम्पल्ड किया जाता है, रौंदा जाता था। प्रोफेसर ट्रेवेलियन बताते हैं कि औरतों को जब अगर वो अगर शादी से के लिए मना कर देती या कोई भी उनके विल के अगेंस्ट काम होता था जो औरतें उनके अकॉर्डिंग नहीं करती थी तो उनको क्या करा जाता था, रूम में बंद कर दिया जाता था, उनको पीटा जाता था। अब फोर्थ पैराग्राफ में राइटर बोलती है कि इस तरह औरत की और पिक्चर जो है वो सामने आती है। अगर इमेजिनेशन या लिटरेचर की बात करें तो औरतों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर प्रैक्टिकली रियल लाइफ में औरतें की सिचुएशन क्या थी, बहुत कमज़ोर थी, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। पोइट्री में वुमेन को बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत इंस्पायरिंग फिगर दिखाया जाता है। स्टोरीज में जैसे किंग की लाइफ में, फिक्शन में विजेताओं की लाइफ में जो औरतें होती हैं वो क्या होती हैं, जो फिक्शन के अंदर जो दिखाते हैं और या कि जो विजेताओं की जो वाइफ है वो औरतें क्या है बहुत सिग्निफिकेंट उसमें दिखाते हैं कि भैया ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लिटरेचर में उनके स्पीचेस, उनके ग्रेट थॉट्स को दिखाते हैं, लेकिन सिक्के की दूसरी तरफ औरतें उस आदमी की जिसको उसके माता पिता ने उसके लिए चुना है उसकी सिर्फ क्या होती है, गुलाम मात्र होती है होती थी। रियल लाइफ में शायद ही कोई औरत ऐसी थी जिसको कि पढ़ना आता था, वह वास्तव में अनपढ़ थी और औरतों को उसके पति की प्रॉपर्टी माना जाता था, हमेशा उसकी इच्छा के अधीन, मतलब उसके हमेशा वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाती थी या कुछ करना चाहती भी तो भी नहीं कर पाती थी, उसको हमेशा अपनी पति के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। फिफ्थ स्टैंजा, अगर औरतों के बारे में पहले किसी हिस्टोरियन के व्यूज़ पढ़ लिए जाए और उसके बाद किसी पोइट के पढ़े जाए, मतलब हिस्टोरियंस तो क्या होते थे, फैक्ट्स लिखते थे, ठीक है, कि इस तरह की कंडीशन थी, औरतों को पीटा जाता था, मारा जाता था, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो हिस्टोरियंस तो क्या फैक्ट लिखते थे। और अगर दूसरी तरफ क्या पॉइंट्स की अगर पढ़ें तो खूबसूरत लड़की है, प्रेम उसके प्यार में पागल हो रहा है और क्या क्या बोल रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहा है, तो अगर पहले हिस्टोरियंस को पढ़ लें और बाद में किसी पॉइंट की पोएम वगैरह को पढ़ लें, फिक्शन मतलब लिटरेचर को पढ़ लें, तो क्या एक अजीबोगरीब जो है पिक्चर सामने आएगी। राइटर को औरतों के बारे में जो रिकॉर्डेड वर्क्स हैं उनमें जो डिटेल फैक्ट्स की जो क्या है वो कमी खलती है, औरतों के बारे में कोई डिटेल फैक्ट्स उसमें दिया हुआ ही नहीं है। यह फैक्ट सोसाइटी में औरतों के जो इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है उसको दिखाता है, मतलब जो अगर ऑब्वियसली इतना सिग्निफिकेंट होती औरतें उस वक्त, इतनी इम्पॉर्टेंट होती तो उसके बारे में बहुत सारा लिखा जाता, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी ये, तो इसीलिए उनके बारे में इतना लिखा नहीं गया। तो ये जो फैक्ट्स जो उनके जो हैं वो कम हैं वो क्या दिखाते हैं, उनके इनसिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर, मतलब उनके कमतर कद को दिखाता है कि उनको बराबर नहीं आका जाता। सिक्स्थ पैराग्राफ, हिस्ट्री में औरतों के रोल और उनकी सिग्निफिकेंस जानने की कोशिश में राइटर हमारा ध्यान प्रोफेसर ट्रेवेलियन की बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिस्ट्री की तरफ ले जाती है। इन्होंने अपनी हिस्ट्री बुक में काफ़ी चीज़ें शामिल की हैं, जैसे कि खेती के तरीके, धर्मयुद्ध, यूनिवर्सिटी, द हाउस ऑफ कॉमन्स, ये वहाँ का संसद का नाम है जैसे यहाँ होते हैं वहाँ पे भी होते हैं। तो हालांकि उन्होंने कुछ ऊंचे कद की महिलाओं जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ के अलावा अन्य महिलाओं को मेंशन नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ की बात की है। हिस्ट्री में ऐसी एक सिंगल औरत का जिक्र नहीं, ऐसी सिंगल मिडिल क्लास औरत का जिक्र नहीं किया गया है
जिसने कि हिस्टोरिकल इवेंट्स और ग्रेट मूवमेंट्स में हिस्सा लिया हो। यहाँ तक कि 17th century में फेमस डायरिस्ट जॉन ऑब्रे ने भी औरतों का जिक्र नहीं किया है। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि उस टाइम पे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली की किसी औरत ने कोई अच्छा काम ही नहीं किया हो, लेकिन क्या फिर भी किसी भी मिडिल क्लास औरत का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं किया गया ना। ये जो डायरिस्ट था, मतलब जो डायरी लिखता था, जॉन ऑब्रे, उन्होंने भी नहीं किया और ना ही इन्होंने कोई जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ एलिजाबेथ फर्स्ट का जिक्र किया है। तो राइटर जो है औरत की रिकॉर्ड्स की इतनी कमी को देख कर क्या है, बहुत शॉक्ड है। यह जो फीमेल के बारे में इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी की, मतलब उपलब्धता की जो इतनी कमी है, और जो रीडिंग मटेरियल की जो इतनी कमी है, वो समाज में व्याप्त जेंडर बायस को साफ दिखाता है। मतलब जो भी औरतों के बारे में तो इतना कम लिखा हुआ है बुक्स वगैरह में, और आदमियों के लिए भरमार पड़ी हुई है। तो ये क्या दिखाता है कि ये जेंडर बायस, मतलब जो आदमी औरत को लेके जो भेदभाव किया जाता है वो उसको दिखाता है। ना केवल हिस्टोरियंस और डायरिस्ट, बल्कि औरतों ने खुद ने भी अपने बारे में ना लिखकर वो भी क्या करी है, इस पक्षपात का हिस्सा बनी है। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि औरतों के बारे में इंफॉर्मेशन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो शॉक्ड है कि ब्रिलियंट स्कॉलर्स भी इनके बारे में कुछ नहीं लिखते। फेमिनिस्ट राइटर जो है वर्जीनिया वुल्फ, वो उनको फील होता है कि हिस्ट्री में औरतों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने ते वे उनको क्या किया जा सकता है, जो हिस्ट्री बुक में को दोबारा लिखा जा सकता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक एडिशनल सप्लीमेंट्री बुक लिखी जाए वो, जिसमें औरतों के हिस्ट्री की बुक के साथ उसको अटैच कर दिया जाए और उसके अंदर औरतों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए कि जो फैक्ट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो। बुक सेल्स की तरफ देखकर उसे ये बेहद अफसोसजनक लगता है कि 18th century से पहले औरतों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। राइटर ने अपनी खोज आदमी और औरत के बीच भेदभाव के क्वेश्चंस को लेकर शुरू की थी, जो कि लिटरेचर में औरतों के बारे में जानकारी उपलब्ध ना होने से पता चलती है। भी लिटरेचर में औरतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आदमियों की फुल जानकारी है। तो यहाँ से उसने शुरू किया था अपना कि ये जो भेदभाव है उसके बारे में जानने से, वो भी एलिजाबेथ एज में, जो कि लिटरेचर की क्या प्रोलिफिक एज मानी जाती है। लेकिन राइटर कुछ बेसिक इश्यूज़ के सेटिस्फैक्ट्री आंसर ढूंढने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जैसे कि औरतों की शिक्षा, उनकी साक्षरता, मतलब एजुकेशन, लिटरेसी, और वो अपनी लाइफ में अपने आप को कैसे व्यस्त रख पाती, कैसे व्यस्त रखती थी, वो क्या काम करती थी, ये जो बेसिक इश्यूज थे, जो बेसिक क्वेश्चंस थे, उनके आंसर ढूंढने में क्या राइटर जो है फेल हो जाती है। आगे कहती है, राइटर कहती है कि लड़कियों की बहुत कम उम्र में जो है शादी हो जाती थी, वो भी बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी पसंद के। और आपको बताया था कि अगर वो मना कर दें कि भी हाँ उनकी पसंद से शादी नहीं करनी है, तो क्या होता था, उनको रूम में बंद कर दिया जाता था, उनको पीटा जाता था। यहाँ पर राइटर औरतों की बेसिक राइट्स को लेकर अपनी कंसर्न जताती है। राइटर को एक लेट बिशप, मतलब एक बिशप मतलब पॉप जो चर्च में जो होते हैं पुजारी, वो जो उनकी मर चुके हैं अभी है नहीं, उनकी बात याद आती है, जिनका औरतों के लिए उनको लेकर ओपिनियन क्या था, बहुत लो था, बहुत निम्न किस्म का उनका ओपिनियन था कि औरतें, कभी भी कोई भी औरत शेक्सपियर जितनी जीनियस नहीं हो सकती, ना कोई पास्ट में थी, ना कोई प्रेजेंट में है, और ना कोई फ्यूचर में हो सकती है। इस तरह का एटीट्यूड औरतों के सप्रेशन की तरफ इशारा करता है कि औरतें कितनी सप्रेस्ड थी उस वक्त, किस तरह औरतों की आइडेंटिटी को, उनकी जीनियस को, उनकी जो बुद्धिमानी को आदमियों के द्वारा क्या कर दिया जाता था, पूरी तरह से नकार दिया जाता था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, अगर आप लोगों को चाहिए कि इसका सेकंड पार्ट लाऊं, क्योंकि इसके अंदर 10 स्टैंजाज हैं, प्लस इसमें क्रिटिकल कमेंट्स भी हैं जिसके अंदर सारा सार होता है, तो आप लोगों को चाहिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और एटलीस्ट मुझे 100 कमेंट्स चाहिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं।
So that's it for today. I hope you like this video. For more videos, stay tuned to my channel. Do like, subscribe and share, and don't forget to comment. Keep watching, keep learning. Bye bye.